विजन केमिस्ट्री वाले चैनल पर सभी प्यारे विद्यार्थियों को प्यारा प्यारा सा गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। ध्यान रखिए लाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चंस आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। ध्यान दीजिए बेटा, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पेपर कलम लेके बैठा कीजिए। जितने भी हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं या जो भी हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं, है ना, एक एक पॉइंट को समझिए बेटा। एल्कोहल चैप्टर चल रहा है, एल्कोहल चैप्टर एंडिंग में चल रहा है, ध्यान रखिएगा। और एग्जामिनेशन बोर्ड पेपर में एल्कोहल से रिलेटेड क्वेश्चंस कई सारे आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी बनते हैं। और ये एक ऐसा चैप्टर है कि यहाँ से एक नंबर के भी क्वेश्चन आते हैं। एक नंबर में क्वेश्चन कैसे क्या आते हैं कंटिन्यूस लेक्चर में बताया जा रहा है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा बेटा कि नोट्स पर जरूर फोकस कीजिएगा। नोट्स का मतलब यह है कि ऑनलाइन जितने स्टूडेंट्स हैं नोट्स जरूर बनाइएगा, है ना। फिर भी कहीं पर अगर आपको PDF चाहिए तो आप जो है कॉन्टैक्ट में जो है जाइए, वहाँ अबाउट में जाइए, वहाँ पर आप कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया, वहाँ पर से कन्फर्मेशन कर सकते हैं, है ना। क्योंकि मेरा टारगेट है कि आपके अंदर जो वीकनेस है उस वीकनेस को दूर करना है। हर एक पॉइंट को समझाने का प्रयास किया जाता है, एक एक पॉइंट को आपके अंदर से दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। आप माइंड को कॉन्सनट्रेट करके पढ़िए। आप संकल्प लीजिए कि आपके अंदर जो वीकनेस है उसे हम दूर करेंगे, मैं पूरा फुल सपोर्ट करूँगा आपका। चलिए लाल, इसी के साथ स्टार्ट करते हैं एल्कोहल चैप्टर में। पहले एक बार पिछले लेक्चर में क्या रिवीजन किया है, मींस कितना A to Z हमने पढ़ा है और उससे रिलेटेड कितना बेहतर अच्छा समझना चाहते हैं, तो कल के लेक्चर को देखिएगा। आज कल के लेक्चर में एक दो या तीन मिनट में, कुछ मिनट्स में हम लोग यहाँ पर रिवीजन कर लेते हैं कि कल के लेक्चर में हम लोगों ने क्या चीज़ स्टडी किया है। चलिए, आप लोग एक्टिव बेटा, क्लियर बेटा, कन्फर्म बेटा। चलिए यहाँ पर हम लोग यहाँ पर कंटिन्यूस देख लेते हैं कि एल्कोहल जो है, एल्कोहल हम लोग मतलब कि कल हम लोग यहाँ पर एल्कोहल से रिलेटेड पॉइंट पढ़ रहे हैं, जहाँ पर सीरियस एथिल एल्कोहल के निर्माण की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? एग्जामिनेशन बोर्ड पेपर में कितने नंबर में बेटा ये आ सकता है? ये आपके 5 नंबर के क्वेश्चन आ सकता है, मतलब कि एग्जामिनेशन बोर्ड पेपर में 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन क्या है बेटा, फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, सीरे से एथिल अल्कोहल बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए, आवश्यक रासायनिक समीकरण देते हुए इसके उपयोग बताइए। या कभी कभी बेटा ये सीरे से एथिल अल्कोहल से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आके क्वेश्चन बदला जा सकता है, बट आंसर एक होगा। क्वेश्चन क्या होगा बेटा? क्वेश्चन हो जाएगा आपका ये, कॉफी स्टील मैथड से आप एथिल अल्कोहल कैसे बनाएंगे? कॉफी स्टील मैथड से मतलब कि कॉफी भबका विधि से, कॉफी भबका विधि से एथिल एल्कोहल कैसे बनाएंगे, है ना। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन सीरे से भी आ सकता है और क्वेश्चन आ सकता है बेटा कॉफी स्टील मेथड से। बात समझ में आ गई लाला? इसी क्वेश्चन को दो तरीके से पूछा जा सकता है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, एल्कोहल में जबरदस्त ये इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन है। स्टार्टिंग में हर चैप्टर को जब मैं स्टडी कराता हूँ, आप लोगों को समझाया जाता है, तो मैं प्रयास करता हूँ स्टार्टिंग में ना बताऊँ कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कौन सा है। जब वहाँ पर पहुँच जाते तभी मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ, नहीं स्टार्टिंग से ही माइंड मेकअप बना लूँगी कि ये चीज़ कम इंपॉर्टेंट मत पढ़ो, है ना। तो स्टार्टिंग से एक एक हर एक चैप्टर में एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ ध्यान रखो। लेकिन एल्कोहल चैप्टर में जैसे क्लोरोफॉर्म की बात चल रही थी, हेलोल्केन्स एंड हेलोरिन्स की बात चल रही थी, वहाँ पर आपका क्लोरोफॉर्म जबरदस्त था। हेलोल्केन्स एंड हेलोरिन्स चैप्टर में क्लोरोफॉर्म जबरदस्त, वो इंपॉर्टेंट था, है रहेगा, है ना। उसके बारे में विधिवत आप लोगों ने डायग्राम सहित पढ़ा था। फिर उसके बाद जब बात की गई थी बेटा किसकी, इसी प्रकार जो एल्कोहल है, एल्कोहल में लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा मेथिल एल्कोहल मतलब कि एथिल एल्कोहल के बनाने, वहाँ पर मेथिल एल्कोहल की बात की गई थी, यहाँ पर सीरे से एथिल एल्कोहल बनाएंगे। हो सकता है सीरे से ना पूछा जाए तो एक दूसरी मेथड बताएगी, क्या बेटा, क्या कौन सा बेटा? कॉफी स्टील मेथड, कॉफी स्टील मेथड, कॉफी भबका विधि, हिंदी में बोलेंगे कॉफी भबका विधि, कॉफी भबका विधि, थियासाइनेंसिस, कॉफी थियासाइनेंसिस, है ना, बॉटनिकल नेम है। चलिए ध्यान दीजिए, अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अब यहीं पर स्टार्ट करते हैं। कल के लेक्चर में हम लोगों ने कितना कैसे क्या देखा था, एक मिनट दो मिनट में रिवीजन करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी इसमें कौन एक्सप्लेन करेगा, कौन बताएगा लाल कितने स्टडी किया है आप लोग? स्टडी किए थे? चलिए ठीक है, ऑनलाइन बुलाऊंगा तब आप लोग बताएंगे, ठीक है ना, ठीक भैया ना। चलिए ध्यान, हाँ, और नेमी रिएक्शन में ध्यान रखिएगा, नेमी रिएक्शन आप लोगों की चल रही बेटा, कंप्लीट हो रही है ना। ऑनलाइन वाले बेटा भी ध्यान दीजिएगा, और ये ऑफलाइन वाले भवन भैया कि नेमी रिएक्शन चले, इनको भी किसी दिन बुलाते हैं, ठीक है ना, और आप लोगों के समय भी बुलाएंगे आप, ठीक, ध्यान दीजिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले एक स्टोरी की तरफ फिर सुन लीजिए, फिर हम लोग देखिए। इस चीज़ को मैं बार बार क्यों रिपीट करने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप रटो मत, नहीं भूल जाओगे। और यहाँ ऑफलाइन आप लोग पढ़ते हो, समझते हो, घर पर जाओ लेक्चर एक बार देख लिया करो, इस चीज़ को ध्यान में रखो। चलिए तो यहाँ पे स्टार्ट करते बेटा हम लोग कंटिन्यूस। सबसे पहले माइंड में इमेज बनाइए कि सीरा से हम लोग यहाँ पर बनाना सीखेंगे। किससे बनाना सीखेंगे बेटा? आप लोग पढ़ने में बहुत अच्छे हो, ब्रिलियंट हो, काफ़ी इंटेलिजेंट हो, मतलब है ना, आप लोग काफ़ी ब्रिलियंट हो, मैं कह रहा हूँ आप लोग हो भी,
बस आप लोग अपने आप को पहचान नहीं पा रहे हो, ठीक है ना। बस आप लोग बेटा ऑनलाइन वाले आप लोग भी हो, आपके अंदर वीकनेस है मैं मानता हूँ, बट वीकनेस को दूर कर देना है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो अब यहाँ पर सीरे से एथिल अल्कोहल बनाने की विधि का सचित्र वर्णन करना है। सबसे पहले अब देखेंगे सीरे से कैसे बनाते हैं, सीरे से कैसे बनाते हैं। सीरा क्या है लाल, बताओ लाल, एक भैया बताएगा, बताओ बेटा सीरा क्या है, जैसे कहाँ पर बनता है, कैसे क्या होता है, इसके बारे में कुछ बताओगे। चाशनी ऐसा तरह बनाता है, गाढ़ा होता है चाशनी जैसा ना, ये गाढ़ा द्रव होता है। और जैसे चीनी उद्योग में है ना, चीनी उद्योग में किस रूप में होता है, ये सह उत्पाद के रूप में है ना, चीनी उद्योग में सह उत्पाद के रूप में बचा होता है, जिसे क्या कहते हैं आप, जिसे क्या कहते हैं आप, सीरा कहते हैं। क्या कहते हैं, सीरा कहते हैं। को कंपाउंड, को कंपाउंड मतलब सह उत्पाद, सह उत्पाद मतलब कि उत्पाद के साथ में बना हुआ कोई दूसरा उत्पाद, जिसे हम क्या कहते हैं, को कंपाउंड में सह उत्पाद, क्या बोलते हैं, सह उत्पाद। बात समझाई नहीं आई लाल, क्लियर हो गया ना। अब बात समझना, यहाँ पर सीरा का क्या करते हैं, एक बार रफली समझो बेटा, सीरा का क्या करते हैं लाल, देखिए बेटा है ना। तो सीरा का क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा कि इसमें सबसे पहले फॉर्मेंटेशन करते हैं, क्या करते हैं, फॉर्मेंटेशन करते हैं। भैया ज़्यादा जो है देख रहे थे, ये बेटा उस समय देखा जाता है जब कोई आ रहा हो, तब देखा जाता है, तब तक नहीं देखना चाहिए, तब तक जो है आप हमें देखो, ठीक है। बात समझो बेटा, बात समझ में आ गई लाल ना। अब हम कुछ कमेंट्स उस तरह नहीं देंगे, आप इतना समझ गए है ना बेटा। चलिए, ये सब तब देखना चाहिए जब चार लोग आ रहे हों, और जब नहीं आ रहे तो आप हमें देखो तब तक, ठीक है, काम चल जाएगा और हमारे ही थ्रू चलेगा इंटर तक, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। फिर क्या है कि इसमें सीरे से जब बनाने की बात की जाती है, तो इसमें एक सह उत्पाद बनता है। सह उत्पाद का देखा गया कि हम लोग C2H5OH इससे बना सकते हैं। जब C2H5 इससे बना सकते हैं, तो मतलब वो कौन सी प्रोसेस, मतलब फॉर्मेटेशन से बना सकते हैं, किडवन विधि द्वारा हम लोग बना सकते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, सीरा को क्या करते हैं, उसको तन कर लेते हैं, और तन करने के बाद उसकी सांद्रता को 8 से 10% तक कर लेते हैं। 8 से 10% करने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि इसमें जो है सल्फ्यूरिक एसिड मिला दिया जाता है, H2SO4 मिला दिया जाता है। और H2SO4 होता कैसा बेटा, ये आपका तन होता है, और तन की क्योंकि इसमें बैक्टीरिया क्या करता है, वर्धन का वर्क करता है, और ये जो होता है शर्करा का जो है प्रतिलोपन का वर्क करता है, वर्धन करता है, ठीक है ना। इसलिए ऐसा करते हैं, फिर इसमें ईस्ट डालते हैं। ईस्ट डालने के बाद क्या होता है इसमें भोजन के लिए, और ईस्ट के भोजन के लिए क्या चीज़ में डाला जाता है बेटा, अमोनियम सल्फेट और अमोनियम फास्फेट दे देते हैं। और इतना डालने के बाद इसमें क्या करते हैं, 25 से 35% तक, मतलब 25 से 35 डिग्री सेल्सियस तक इसको टेम्परेचर दे दिया जाता है। सपोज दैट टेम्परेचर आपको नहीं याद है तो आप बोल लिख सकते हो हाँ कि सामान्य ताप, नॉर्मल टेम्परेचर, ठीक है। अगर आपको याद है तो लिख सकते हो नॉर्मल टेम्परेचर ब्रेकेट में 25 से मैक्सिमम 35 डिग्री सेल्सियस तक दे सकते हो, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या करेंगे आप कि क्या चाहिए बेटा, हाँ 2 से 3 दिन के लिए इसको क्या कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। छोड़ने के बाद देखते हैं कि हमको यहाँ पर एथिल अल्कोहल बन के तैयार। लेकिन इसको इस सोल्यूशन को कुछ कहा जाता था, वास या माल्ट, ये भी कहा जाए ना, वास या माल्ट कहा जाता था। लेकिन अब बात समझ में आई बेटा, ये चीज़ बन के तैयार। लेकिन हमने देखा कि C2H5 यहाँ पर हम लोग की तमन्ना थी क्या 100% बनाने की, कितने परसेंट, 100% बनाने की थी, लेकिन यहाँ कितने परसेंट बना, ये मैक्सिमम 8% तक बन के तैयार। हमने बहुत मान लिया 10% मान लिया, तो यहाँ पर हमने जो है कितने परसेंट एथिल अल्कोहल बना यहाँ पर, मतलब कि बनाना कितने परसेंट था बेटा, ये आपका कितने परसेंट बनाना था बेटा, 100% बनाना था। लेकिन 100% में से कितने परसेंट बना ला लिया आपका, मतलब ये C2H5 जो है ये चीज़ हमको बनाना था, तो कितने परसेंट बना बेटा, ये 8 से 10% मान लीजिए, 8 से 10% क्या बन के तैयार हुआ लाल, C2H5OH बन के तैयार हुआ। लेकिन फिर भी अभी भी बेटा क्या है, 100% बन के तैयार नहीं हुआ। अब इसके लिए फिर भी हम लोग शांत नहीं हुए, इसके लिए मन में एक क्वेश्चन आया कि आप कैसे क्या किया जाए। तो देखा गया कि हम एक मेथड है, उस मेथड से हम लोग क्या है कि 100% तो नहीं बना सकते हैं, बट प्रयास करते हैं कि इससे तो अधिक ही होगा। और कितने परसेंट होगा लालिए, 90% होगा। कितने परसेंट होगा लाल, 90% होगा। अब कैसे होगा, उस मेथड का नाम क्या है, कॉफी स्टील मेथड। तो कॉफी स्टील मेथड के थ्रू क्या करते हैं हम लोग जो है बेटा, कितने परसेंट बना लेते हैं बेटा, ये 90% बना लेते हैं। कितने परसेंट बना लेते हैं, 90% बना लिया जाता है। ये जो 90% बनाते हैं इसी को कहा जाता है क्या, क्या कहा जाता है इसको क्या कहा जाता है, परशोधित स्प्रिट, मतलब कि इसको रेक्टिफाइड
स्पिरिट बोलेंगे, रेक्टिफाइड स्पिरिट बोलेंगे, क्या बोलेंगे? रेक्टिफाइड स्पिरिट बोलेंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना कि कॉफी स्टील जो मेथड थी उसमें दो चैम्बर का जिक्र किया गया था, दो प्रभाजी मतलब कि दो प्रभाज के इसमें जिक्र किए गए थे, प्रभाजी के ना, एक आपका एनालाइजिस करके था, दूसरा आपका रेक्टिफायर था, मतलब कि एक आपका विश्लेषक था, दूसरा आपका परिशोधक था। ये दो चैम्बर थे, इन्हीं दोनों चैम्बर की सहायता से क्या करते थे हम लोग, क्या 100% स्प्रेटेड 90% बना लेते थे, 90% C2H5 पोज बना के तैयार कर लेते थे, जिससे जो 90% जो बनाते थे उसको हम लोग बोलते थे रेक्टिफाइड स्प्रेट, मतलब कि बोल सकते हैं परिशोधित एल्कोहल। क्या कहते हैं? अभी हमने भी 100% नहीं बनाया, कितने परसेंट बनाया? 90%। और जो ये 90% बनाया गया है इसी को कहा जाता है परिशोधित एल्कोहल स्प्रिट। क्या कहा जाता है? परिशोधित स्प्रिट, इंग्लिश में बोलेंगे क्या बोलेंगे? रेक्टिफाइड स्प्रिट। बात समझ आ गई? कन्फर्म हो गया ना? आप क्या करेंगे, 90% बन गया, अब तो हमको बनाना कितने परसेंट है? 100% बनाना है। अब क्या करेंगे, इसके लिए क्या करेंगे कि इसमें अब आप बात करते हैं, अब हमको 100% बनाना है, 90% तो बना लिया, लेकिन 100% बनाने के लिए क्या करते हैं? अब ये देखो इसमें क्या करते हैं, पैराग्राफ फिर चेंज कर लेंगे, फिर चेंज करने के बाद इसमें क्या करते हैं, बुझा चूना फॉर्मूला क्या है भैया, बताओ बेटा। हाँ, एक आपका कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा चूना। तो बुझा चूना क्या हो जाएगा, ध्यान दो, अब बात सुनना, हे लाल हिजत बेटा, सब लोग इज्जत को, हमने ये C2H5OH है, इस C2H5OH में क्या था बेटा, इस H2O, बात को समझो यहाँ ध्यान से, इसमें क्या हमने मिला दिया, कैल्शियम ऑक्साइड को इसमें मिला दिया गया, किसमें, इसमें मिला दिया गया, तो इसमें जो H2O था उससे रिएक्शन कर लिया, मतलब उसकी नमी को उसमें मतलब क्या गया, आसवन कर लिया गया, तो आसवन करने पर क्या हुआ कि जो C2H5OH में जो नमी थी, मतलब कि उसमें जो वाटर वगैरह था, जो वो सारी चीज़ें थी, उनको क्या कर लिया गया, आसवन हो गया। आसवन करने पर हम लोगों ने यहाँ पर 99.7% बना लिया, 99. अभी भी 100% नहीं बना पाए, बात समझना यहाँ पर, मतलब कि हमने 90% तो बना लिया, जिस 90% जो बनाया था उसको, उसे क्या कहा जाता था, परिशोधित स्पीड, मतलब कि रेक्टिफाइड स्पीड बोला जाता था, है ना, लेकिन क्या करना था कि हमको 100% बनाना था, तो 100% बनाने के लिए हमने क्या किया, उसमें बिना बुझा चूना डाल दिए, जो हमने बनाया सोल्यूशन उसमें क्या डाल दिया, बिना बुझा चूना। और जैसे ही बिना बुझा चूना डाला, तैसे उसने एथिल अल्कोहल में प्रेजेंट H2O से क्या कर लिया, मतलब उसकी नमी को एब्जॉर्ब कर लिया, मतलब कि उसका आसवन कर लिया गया लास्ट में, और जब आसवन किया गया तो हमने देखा 99.7% क्या बना लिया बेटा, C2H5OH बना लिया, लेकिन अभी भी 100% नहीं बना, बात तो समझना बेटा यहाँ पर, तो ये 99.7% ये आपका C2H5OH बन के तैयार हो गया, आप क्या करेंगे, लेकिन बनाना कितने परसेंट बेटा, 100%। इसमें क्या करते हैं, इसमें कैल्शियम धातु के क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़े इसमें डाल देते हैं, बात समझना, किसमें, जो हमने बनाया था सोल्यूशन C2H5OH जो हमने बनाया, कितने परसेंट लाल, 99.7%। अब इसमें क्या करते हैं, कैल्शियम धातु के छोटे छोटे टुकड़े इसमें डाल देते हैं, और डालने के बाद फिर इसका आसवन करते हैं, और जैसे आसवन करते हैं बेटा, कितने परसेंट बना लेते हैं, 100%, क्या बना लेते हैं बेटा, C2H5OH। आ गई बात सुनिए बेटा, ये जो C2H5OH हम लोगों ने इतने परसेंट बनाया है, इसी को कहा जाता है एफ्लुएटेड एल्कोहल या परिशुद्ध एल्कोहल। आ गई बात सुनिए, सोन में आया लाल कि नहीं आया, कंफर्म हो गया बेटा ना, मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि इसमें रेक्टिफाइड स्पीड क्या होता, तो आप क्या बोलेंगे, 90%, मतलब रेक्टिफाइड स्पीड क्या हो जाएगी, 90% जो आपने बनाया है। और ये भी पूछा जा सकता है किस मेथड से बनाया है, भपका विधि से बनाया है, मतलब काफी भपका विधि से, इन्वर्टर देखो बेटा, समझ में आ गया बेटा ना, समझ में आया नहीं लाल, ये चीज कंफर्म हो गया क्या बेटा, कि हम लोगों ने यहाँ पर जो 90% बनाया था उसे क्या कहते थे बेटा, क्या बोलते थे, परिशोधित स्प्रिट बोलते थे। और जो परिशोधित स्प्रिट है, जब परिशोधित स्प्रिट की बात आएगी तो ये चीज कंफर्म हो गया ना, परिशोधित स्प्रिट क्या है, तो आप जैसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है उसको किस मेथड से बनाया है, तो आप बोलेंगे कॉफी स्टील मेथड से बनाया गया, क्लियर। अब पूछा गया कितने परसेंट लाल, 90%, बात समझ में आ गई ना। अब ये भी पूछा गया अब इसको 100% कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए क्या करते थे, इसमें बिना बुझा चूना डाल दिया जाता था, और जैसे बुना
बिना बुझा चूना डाला गया, मीन्स कैल्शियम ऑक्साइड डाला गया, तो ऐसे क्या हो गया बेटा? ये C2H5 में जो H2O था उससे क्या कर लिया, रिएक्शन कर लिया, उसकी नमी को जॉब कर लिया, मतलब उसको आसवन कर लिया गया। आसवन किया गया तो हमने कितने परसेंट बना लिया, कितने परसेंट बना लिया लाल? 99.7% क्या बना लिया बेटा, ये क्या बना लिया बेटा? एथिल अल्कोहल बना के तैयार कर लिया। लेकिन अभी भी एथिल अल्कोहल अभी भी क्या है बेटा, हमने 100% नहीं बनाया। फिर क्या करते हैं कि 90 इसमें जो हमने बनाया इस सोल्यूशन को, इसमें क्या करते हैं, कैल्शियम धातु के छोटे छोटे टुकड़े डाल दिए जाते हैं। जैसे छोटे छोटे इसमें टुकड़े डाल दिए जाएंगे तैसे क्या हो जाएगा, फिर उसका आसवन कर देते हैं। तो हमने देखा कि 100% हमने यहाँ पर अल्कोहल बना के तैयार कर लिया। इसी 100% सोल्यूशन को ही कहा जाता है क्या, प्योर अल्कोहल, मतलब कि क्या बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, परिशुद्ध। बात समझ गए, इंग्लिश से बोलेंगे असोलेटेड अल्कोहल। तो आप बोलेंगे 100% प्योर अल्कोहल, दैट इज असोलेटेड अल्कोहल। आगे बात समझ में, 90% अल्कोहल दैट इज रेक्टिफाइड स्पिरिट, 99.7% दैट इज अनप्योर बट मैक्सिमम अल्कोहलिक परसेंटेज। आगे बात समझ में, तो यहां से दो क्वेश्चन अलग से पूछे जा सकते हैं एक नंबर में। कौन सा, पहला आपका असोलेटेड करके वाला, ठीक है, प्रसिद्ध वाला, और दूसरा आपका परिशोधित स्प्रिट वाला, रेक्टिफाइड स्प्रिट वाले, वो अलग से एक एक नंबर में पूछे जा सकते हैं। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन था, इतना समझ में आ गया? yes, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? yes, कंफर्म हो गया ना? yes, रटना तो नहीं पड़ा? yes, समझ में आ गया ना सारे पॉइंट? yes, किसी दिन भी पूछ सकते हैं भैया, समझ में आ गया सब लोग को? yes, समझ में आया लाल कि नहीं आया? yes, क्लियर सब लोग, समझ में आ गया? एक बार रफली से समझ लो क्या हुआ, सब लोग देख लो एक बार। देखो सबसे पहले हमने क्या किया कि सीरे से हम लोग को एथिल अल्कोहल बनाना था, ठीक है ना। बनाने के लिए क्या बात की गई कि हमको उसमें सीरा चाहिए था, तो जो चीनी उद्योग वगैरह जो इंडस्ट्रियल वगैरह होती हैं तो वहाँ पर क्या हमने देखा है, सह उत्पाद बच गया। उस सह उत्पाद को हम लोग सीरा बोलते हैं। सीरा क्या होता है, काढ़ा जो होता है चाशनी जैसा है ना, वह क्या होता है, उसका फार्मेंटेशन कर लिया। फार्मेंटेशन करने के बाद क्या किया गया बेटा, उसमें क्या कर दिया, उसमें उसकी सांद्रता को 8-10% तक कर दिया गया, उसमें H2SO4 मिला दिया गया, बैक्टीरिया वर्धन वगैरह, फिर उसका है ना शर्करा के प्रतिलोपन बढ़ाने के लिए, फिर क्या कर दिया गया, उसमें एच डाल दिया, उसके भोजन के लिए अमोनियम सल्फेट अमोनियम फास्फेट डाल दिया, टेम्परेचर दे दिया, कितना दिया, कितने दिया, 25 से कन्फर्म हो गया ना। फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसको कुछ दिन के लिए छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद क्या हुआ, हमने देखा कि उसमें बन के तैयार हो गया, उसको सोल्यूशन को मास या माट बोलते थे, बन के तैयार हो गया है थे लोगों को, लेकिन फिर भी कितने परसेंट बन के तैयार हुआ लाल, कितने परसेंट लाल, 8 से, लेकिन फिर भी संतुष्ट हम लोग नहीं हुए थे। एक मैथड का ख्याल आया, उस मैथड का नाम क्या था, कॉफी स्टील मैथड के तहत हमने शुरुआत किया। तो वहाँ पर विश्लेषक और ये परशोधक दो चैम्बर थे ना, इसके मतलब के प्रभाव से इनके थ्रू क्या हमने किया, तैयार किया। वहाँ पर स्टेप बाय स्टेप डायग्राम बना दिया जाएगा, ये बात समझ में आ गई ना। फिर उसके बाद देखा गया कि ये सारी चीज़ तो कंप्लीट हो गई, लेकिन फिर भी देखा यहाँ पर जो हमने अल्कोहल बनाया 90% बना, अभी भी 100% नहीं पहुँचे। तो 90% जो हम लोगों ने यहाँ पर अल्कोहल बनाया उसको बोलते क्या है, एथिल अल्कोहल को क्या बोलते हैं, परशोधित अल्कोहल रेक्टिफाइड स्प्रिट बोलेंगे, है ना, परशोधित स्प्रिट बोलेंगे। बात समझ आ गई। फिर क्या करते थे, हमने देखा कि कंटिन्यूस ये चीज़ करने के बाद हमने देखा कि प्रोसेसेज आगे बढ़ती गई। तो अब क्या करते हैं इसमें, फिर इसमें क्या करते हैं, शुद्ध क्या, हाँ हाँ, बिना बुझा चूना इसमें कैल्शियम ऑक्साइड डाल देते हैं। जैसे डालते थे एथिल अल्कोहल में जो H2 होता है उससे रिएक्शन कर ले, रिएक्शन करके उसमें देखा 99.7% C2H5 बन के तैयार हो गया, लेकिन फिर भी अभी संतुष्ट नहीं, 100% नहीं बना। तो उसमें क्या करते थे, कैल्शियम धातु के छोटे छोटे टुकड़े उसमें डाल देते थे, और डालने के बाद क्या हो जाता था, 100% श्योर। तो 100% प्योर अल्कोहल दैट इज अफिलिएटेड अल्कोहल, परिशुद्ध अल्कोहल। आगे बात सुन में, तो यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया कि आपको यदि कोई पूछे कि परिशुद्ध अल्कोहल क्या है तो आप क्या बताएंगे, 100% प्योर अल्कोहल को आप क्या बोलेंगे, अफिलिएटेड। और परशोधित स्पीड किसे बोलेंगे, किस मेथड से बनाया गया, एक वायबल में। अब आप लोग एक वायबल में बोलेंगे, है ना, फिर हम लोग चलेंगे डायग्राम की तरफ, देखेंगे रफली समझने का प्रयास करेंगे। आप लोग बताएंगे एक वायबल में, सब लोग बताएंगे, क्वेश्चन में पुटअप कर रहा हूँ, आप लोग बताएंगे, ठीक है ना, कन्फर्म हो गया। रटना तो नहीं पड़ा, रटना तो नहीं पड़ा, अपना कॉन्सेप्ट क्या है माइंड में सेट कर लो, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है ना, बात समझ आ गई बेटा ना। चलिए तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, आप लोग बताएंगे सीरे से एथिल अल्कोहल क्या बना सकते हैं। yes, इस सीरे से अगर हम लोग मैक्सिमम कितने परसेंट बनाते हैं, इस सीरा क्या करते हैं, तनु करते हैं, शांत करते हैं, इसकी सांद्रता को कितने परसेंट करते हैं, कन्फर्म हो गया ना, क्लियर हो गया। इसमें क्या, इसमें बैक्टीरिया के वर्धन के लिए क्या करते हैं, इसमें बैक्टीरिया के वर्धन के लिए क्या करते हैं, इसमें क्या चीज मिलाते हैं, इसमें क्या चीज मिला दिया जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं, H2SO4 सांद्र होता है, एक तन होता है, तन लिया जाता है। फिर इसमें क्या डालते हैं, सीरे में ईस्ट डालने में के बाद इसके भोजन के लिए क्या दिया जाता है, क्या दिया जाता है भोजन के लिए, भोजन के लिए क्या देंगे,
हाँ अमोनियम फास्फेट। अमोनियम फास्फेट और अमोनियम सल्फेट देते हैं, कंफर्म हो गया। टेम्परेचर कितना देते हैं, कितने दिन के लिए छोड़ देते हैं, कितने दिन के लिए छोड़ देते हैं, कितने परसेंट बन जाता है, फिर भी संतुष्ट नहीं हुए तो एक चैम्बर की याद आई है। चैम्बर का नाम क्या था, कॉफी, कॉफी स्टील विधि, या मतलब कॉफी स्टील मेथड, या बोलेंगे कॉफी भपका विधि। तो किस किसकी याद आई, कॉफी, कंफर्म। इसमें दो चैम्बर थे, कौन कौन से, परशोधक। कंफर्म हो गया ना, क्लियर हो गया ना, कंफर्म हो गया ना, है ना। फिर क्या हुआ इसमें, हमने मतलब कि कितने परसेंट यहाँ बना के तैयार कर लिए, 90% बनाने, कितने परसेंट थे, कितने परसेंट बनाए, संतुष्ट हुए। आप क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड मिला देंगे। तो C2H5OH में क्या प्रेजेंट था, वाटर, तो उससे रिएक्शन करके मतलब कि इसके उसका क्या कर लिया जाएगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो एब्जॉर्ब करके क्या करेगा, आसन करने के बाद कितने परसेंट बनाया, कितने परसेंट, कंफर्म हो गया। अभी भी संतुष्ट हुए, कहने मतलब कि 100% होने बनाया, नहीं बना पाए ना। तो अब क्या करेंगे, क्लियर, कैल्शियम धातु के छोटे छोटे टुकड़े, फिर कितने परसेंट बना लेंगे, फिर उसका आसन करेंगे कितने परसेंट बनेगा, कंफर्म हो गया, संतुष्ट हो गए, क्लियर। तो ये आपका जो 100% अल्कोहल, इसको क्या बोलते हैं, परिषद अल्कोहल, क्या बोलते हैं, इसी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे आप, क्या बोलेंगे, एफलेटेड, क्या बोलेंगे, अब्सोल्यूटेड, अब्सोल्यूटेड अल्कोहल, ठीक है ना, अब्सोल्यूटेड। कंफर्म हो गया ना, कंफर्म हो गया ना। 90% जो अल्कोहल ये आप बनाते हैं, अल्कोहल ये जो होता है, ये क्या कहलाता है, परशोधित स्प्रिट, मतलब कि रेक्टिफाइड स्प्रिट बोलते हैं। और ये किस मेथड से बनाया जाता है, ये दिमाग में आपके सेट हो गया, रटना तो नहीं पड़ा, सोन में आ गया लाल। ऑनलाइन वाले बेटा आप भी ध्यान रखिएगा, जो चैनल से नए जुड़े होंगे बेटा, चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। एक एक पॉइंट को आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके एक एक पॉइंट को बेटा आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। एक एक पॉइंट को आप लोग भी पेपर कलम लेकर बैठा कीजिए, कहीं से किसी भी प्रकार की दिक्कत हो, बेशक बेचक बेधड़कों के क्वेश्चन बेटा पुटअप कर सकते हैं। चलिए बेटा फिर आगे की तरफ पढ़ते हैं, ये बात दिमाग में सेट। केमिस्ट्री में कहा जाता है थ्योरी रटी जाती, थ्योरी कभी रटी ही नहीं जाती, कभी भी नहीं रटी जाती, केवल समझी जाती है। अपने माइंड में चीज सेट कर लो, कभी कोई चीज रटी नहीं जाती, समझी जाती है। फिलहाल हाँ, ईस्ट के बिना उसके प्रोसेसेज नहीं होती है बेटा, ईस्ट जो होती है बेटा, सही क्वेश्चन है कि ईस्ट उसमें बेटा क्या करते हैं, वो आपके प्रोसेसिंग में हेल्प करता है सीरे में, क्योंकि फर्मेंटेशन के बाद उसी के फर्मेंटेशन से ही तैयार होता है। इस और चीज़ है, अगर ईस्ट के बारे में बेटा नए स्टूडेंट जो हमारे चैनल से जुड़े, और चीज़ चैनल को स्किप करके, इस वीडियो को स्किप कर मत देखिएगा बेटा, एक एक पॉइंट को, एक एक से एक एक मिनट की चीज़ों को देखिएगा बेटा, कहाँ पर कौन सा पॉइंट बोलता हूँ ये माने रखता बेटा, ध्यान रखिएगा। तो इसमें पिछले लेक्चर में जाएगा, वहाँ पर हमने स्प्रिट के बारे में बता दिया था, स्प्रिट क्या है, स्प्रिट कितने प्रकार के होते हैं, कौन सी स्प्रिट होती है, बेकर्स होती है, बेयर्स होती है, फ्रेश होती है ना, एक्टिव ड्राई फ्रूट, तो कई सारे होते हैं, तो उसमें सभी का जिक्र वहाँ पर किया गया है। और जो ये हमारे ईस्ट होते हैं, हाँ बेटा बोलो, पूछो मुझसे, पूछो लाल। सर जी उसमें कैल्शियम के मेटल्स डाले गए हैं। हाँ, कैल्शियम के जो छोटे छोटे टुकड़े इसमें धातु डाल देते हैं, तो इसमें फिर इसका आसवन कर देते हैं। जब आसवन करते हैं बेटा, तो 100% यहाँ पर हम लोग नहीं बेटा, अदर किसी को नहीं डालेंगे, अदर किसी डालेंगे हो सकता है वो उससे रिएक्शन कर ले, नहीं बात समझे, छोटा सा एग्जांपल, अभी हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, भाई इतना समझो, बात समझ में नहीं आई। जैसे आपका कोई सबसे क्लोज फ्रेंड है, आपने इनको भैया को पैसे दे दिए 500 रुपये, माना एग्जांपल, देखो आपके दिमाग में बात सेट होनी चाहिए, आपने भैया को 500 रुपये दे दिए, या क्या नाम बेटा आपका, क्या नाम है, नाम तो बड़ा अच्छा है ना, भैया को पैसे, चलिए ठीक है, इनको 500 रुपये दे दिया, आपने इनको 500 रुपये दे दिए बेटा, ठीक है ना, और ये लेके कहीं चले गए, तो दोबारा आप इनको देंगे, देंगे, अब आप नहीं देंगे, क्यों, ऐसे क्या करते थे, इसमें सबसे पहले हमने सोडियम डाल दिया, जैसे सोडियम डाल सर रिएक्शन कर लिया, तो उसमें दोबारा सोडियम डालोगे, नहीं डालोगे, है ना। तो कैल्शियम इसीलिए डालेंगे कि वो क्या करेगा, कि इससे वो रिएक्शन नहीं करेगा, वो उसका आसन करेंगे, तुम्हारा यहाँ पर 100% बना के तैयार कर दें। ये नहीं पाएंगे रिएक्टेंट एजेंट जो पाएँ उसमें जो डाल दें, भाई जो डाल दोगे सो बन जाएगा, बनने का तो है ही, हैं आसन लोग फिल्ट्रेशन करके बाद उसका डिफरेंस करते हैं, ठीक है, डिफरेंस फिल्ट्रेशन किया जाता है ना, उसका जो प्रोसेसेज होती है आसन, तो ये सारे भाई साहब सारी बात समझ में आ गई लाल, समझ में आएगा नहीं लाल, अब देखिए बेटा यहाँ पर, अब स्टेप बाय से समझिए, क्लियर। अब क्या करते हैं, इसी सारी चीज़ को यहाँ पर रिएक्शंस भी आप बीच में, जहाँ पर आपने 8 से 10% आपने C2H5OH बनाया था बेटा, वहाँ पर वही रिएक्शन देना जब हमने आपको बताया था क्या, बाई फॉर्मेटेशंस ऑफ
केन शुगर वाली बात आई स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग में जब आपको जिक्र किया गया था स्टार्च वगैरह की बात की गई थी फर्मेंटेशन करने से, याद आया कार्बन डाइऑक्साइड गैस वहाँ पर निकलती थी, C2H5OH का कन्फर्मेशन करता था, C2H5OH बनता था बेटा। ऑनलाइन वाले बेटा आप भी देखिएगा पिछले लेक्चर में बताया गया बेटा। तो यहाँ पर वहाँ पर एक रिएक्शन, ये रिएक्शन भी याद दिला दूँ, रिएक्शन कौन सी थी, जब आप लोग क्या करते थे सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करते थे, जब आपको एंजाइम की पहचान बताई गई थी कि एंजाइम की पहचान एंड और शुगर की पहचान क्या होती है, एंजाइम की पहचान क्या होती है उनके नाम के लास्ट में क्या होता है बेटा, एज होता है, शुगर के उनके नाम के लास्ट में ओज होता है, तो उसी 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 लेक्चर में बताया गया था। तो वहाँ पर आपने क्या किया था, बाई फॉर्मेशन मतलब कि उसका किए थे आप, किसका, केन शुगर का। तो वहाँ पर एक रिएक्शन किया गया था सुक्रोज का, याद करो बेटा। यही रिएक्शन यहाँ देंगे बेटा, कब देंगे ये रिएक्शन देंगे, जब आप कॉफी स्टील मेथड से पहले, है ना। तो इसमें जिक्र करेंगे कौन क्या था बेटा, उसमें ध्यान दो, C12H22O11 यही था बेटा ना, O11 प्लस HOH, या H2O कर दो, H2O कर देते हैं, क्या हो जाएगा बेटा H2O, कन्फर्म हो गया ना, क्लियर। तो हम क्या करते थे यहाँ पर, एंजाइम कौन सा बेटा, इन्वर्टेज, कौन सा एंजाइम, क्या हो जाएगा बोलो, एंजाइम कौन सा लाल, इन्वर्टेज, है ना, जाइमेज, लैक्टेज, है ना, ध्यान देना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर लिखेंगे क्या, इन्वर्टेज, क्या हो जाएगा इन्वर्टेज, ब्रेकेट में आप लिख सकते हैं ईस्ट, क्या लिखेंगे लाल, ईस्ट, ईस्ट क्या है, इसके लिए पिछला लेक्चर देखिएगा लाल, क्या बनेगा लाल, C6H12O6 प्लस, क्या हो जाएगा, C6H12O6 ग्लूकोज एंड फ्रेक्टोज, ये बना था बेटा ये। फिर इसका जब किए थे बेटा क्या हुआ था, C6H12O6, फिर बेटा इसका जाइमेज एंजाइम के प्रेजेंट, किसके प्रेजेंटेशन में, जाइमेज, किसके प्रेजेंटेशन में लाल, जाइमेज के साथ करवाएंगे, क्या बनेगा बेटा यहाँ पर, कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, 2C2H5OH प्लस 2CO2, यही तो बना था लाल, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यही तो था बेटा ये, कार्बन कितने बेटा यहाँ, यहाँ पर 2 × 2 = 4 और 4 + 2 = 6, हाइड्रोजन नंबर कितने बेटा यहाँ पर, कितने लाल, 12 हो गए, कितने हाइड्रोजन बेटा यहाँ पर, 5 × 2 = 10 और 10 + 2 = 12 हो गया ना बेटा। ऑक्सीजन कितने बेटा यहाँ पर, 6 हो गए, ये देखो बेटा 2 ऑक्सीजन ये हो गया और 2 × 2 = 2, सफिस में लिखी संख्या को आगे वाली संख्या से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने पर दैट इज कितना हो जाएगा लाल, कंफर्म हो जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा, ये आपको कंफर्म हो जाएगा, 2 + 2 = 4 और 4 + 2 = 6, तो ये बैलेंस हो गया ना, कंफर्म हो गया ना, क्लियर हो गया ना। तो ये सारी बात समझ आ गई आपके ना। तो इसमें क्या करते हैं, ये आपका हो गया मतलब ग्लूकोज, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, ग्लूकोज, और ये आपका क्या बन गया, आपका C2H5OH, मतलब कि आपका क्या नाम बेटा इसका, एथिल अल्कोहल बन के तैयार। ये रिएक्शन आप कॉफी स्टील मेथड से पहले देंगे, कॉफी स्टील मेथड से पहले देंगे, कोई दिक्कत, समझ में आया नहीं आया, क्लियर हो गया बेटा ना, कन्फर्म हो गया बेटा ना, क्या चीज, नहीं नहीं दोनों देंगे बेटा ये, हाँ बाई फॉर्मेटेशन से आप केन शुगर का जब वहाँ पर बात की गई थी वही रिएक्शन आप यहाँ पर कॉफी स्टील मेथड से पहले देंगे, फिर उसका डायग्राम बनाएंगे, बात समझ आ गई ना, क्लियर। तो ध्यान दीजिएगा समय को देखते हुए लाल, ध्यान दीजिएगा इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन बताने का प्रयास कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इसमें आज के लेक्चर में आपके दिलो दिमाग पे सेट हो गया होगा कि रटना तो नहीं पड़ा लाल, कन्फर्म। कल के लेक्चर में आपको ये बता देंगे इसका डायग्राम कैसे बनेगा, वो कौन से दो विश्लेषक एंड परिशोधक चैम्बर थे, वो कौन से ऐसे दो प्रभाजी आसवन थे जिनका हम लोग वहाँ पर मतलब कि कैसे उसमें प्लेटें होती थी, प्लेट होंगे, कफ होंगे, वाल्व होंगे, स्पेंटवास होगी, हार्ट उसमें होंगे, अल्कोहल, तो कई सारी चीज़ें होंगी कंटिन्यूस। तो एक एक चीज़ को हम डायग्राम में समझेंगे, ध्यान दीजिएगा वेरी वेरी सिलेक्टेड पॉइंट्स अल्कोहल का चल रहा है, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पढ़िएगा। कल के लेक्चर में हो सकता है कल के लेक्चर में आपका ये अल्कोहल एंड हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। डायग्राम बचा है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कल कंप्लीट कर दी जाएगी, क्लियर। तो कंटिन्यूस जो ऑनलाइन है बेटा ध्यान दीजिएगा, एक एक लेक्चर को देखिएगा, और ऑफलाइन जो भी हैं लेक्चर मिस ना करिएगा, एक एक पॉइंट को समझने का प्रयास कीजिए आप लोग, ध्यान बेटा, क्लियर बेटा, आप लोग अच्छे से स्टडी कीजिएगा। और ऑनलाइन वाले बेटा ध्यान दीजिए, कल का लेक्चर और इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ओके, बेस्ट ऑफ लक।